बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स और आज हमारा लेक्चर नंबर 8। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। होप सो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की वीडियो देखी होगी और फिर ही आप इस लेक्चर पे मूव करेंगे। अब अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। तो हमारा कॉन्टिन्यू से पता चल रहा है कि इसे हम कहते हैं जारी रहना, मतलब अभी कोई काम खत्म नहीं हुआ, वो अभी प्रोसेस में है, अभी काम कोई जारी है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यू। तो इसके भी हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? हाँ में बात होना। इसमें हम किसी भी चीज़ से मना नहीं करते, इसमें क्या होती है? हाँ में बात होती है, हमेशा हाँ में बात होगी। और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, इसके 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, आर, एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने 2 पढ़े थे, एक डू था और एक डज था। और अब हम प्रीवियस को डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, आप प्रीवियस लेक्चर को देख के फिर यहाँ पे मूव करेंगे। अब हम सिर्फ इस लेक्चर को रीड आउट करेंगे। ओके, तो सिंग किसके लिए यूज़ होगा? सिंगुलर के लिए। और आर यूज़ होगा प्लूरल के लिए, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। और इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि लास्ट पे आता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, मतलब कोई काम अभी चल रहा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे आता है। तो देखें इसके एग्जाम्पल देखें आप, कि फर्स्ट हमारे पास क्या आना था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मैं। तो मैं आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम। पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, आ रहा हूँ। तो आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और साथ आई एन जी, आई एम कमिंग। तो अगर यहाँ पे होता आई एम कमिंग टू, मैं बाजार आ रहा हूँ, या यहाँ पे फिर आदम था आई एम कमिंग टू बाजार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। और नेक्स्ट आता है, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। देखिए अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो लड़का है या लड़की है, ये रही है, मतलब शी यहाँ पे यूज़ होगा। शी हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर। और शी के साथ क्या यूज़ होगा? इज। शी इज, तैयारी की क्या होती है इंग्लिश? प्रिपेयर। और प्रिपेयर के साथ आई एन जी लगेगा, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? इम्तहान। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। ओके, अब नेक्स्ट। अच्छा जी, अब थर्ड एग्जाम्पल देखें। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। सब्जेक्ट इसमें हमारे पास क्या है? यू। और यू जो है ना, वो ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, यू का हम हमेशा प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। तो यू के साथ आर आएगा। और थिंक की इंग्लिश क्या होती है? सोच की इंग्लिश क्या होती है? थिंकिंग। तो आई एन जी लगा के थिंकिंग बना लिया। यू आर थिंकिंग में हमारे बारे में, अबाउट अस, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ठीक है, देखें यू आर थिंकिंग अबाउट अस, ये हमारे पास क्या था? अफर्मेटिव था। और अब हम चलते हैं हमने नेगेटिव टेंस की तरफ। नेगेटिव हमारे पास क्या होता है? कि किसी चीज़ से इनकार करना। इसका सेम वही स्ट्रक्चर है, इज, आर, एम के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने नॉट लगाना है, और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देखें, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। ओके, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वही इसकी पहचान है, रहा है, रही हूँ, ऐसे रहे हैं, यही पहचान है इसकी उर्दू की। और तुम्हारा भाई क्या होगा? योर ब्रदर। और योर ब्रदर मतलब एक भाई, मतलब सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज। योर ब्रदर इज नहीं, इज आ गया ना यहाँ से, नॉट आएगा। बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। और आई एन जी लगेगा, यू। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। मैं की आई, आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम नॉट, आने की इंग्लिश क्या होगी? कमिंग, आई एन जी विद यू, आई एम नॉट कमिंग विद यू।
नेक्स्ट क्या है, अक्रम मुझे नहीं समझ रहा। अक्रम मतलब एक सिंगुलर पर्सन है ना, अकेला सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा अक्रम। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इसे खुद ही करें, ओके। तो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी, अक्रम मुझे नहीं समझ रहा। अक्रम इज नॉट, समझने की इंग्लिश क्या होगी, अंडरस्टैंड, और आई एन जी लगा के अंडरस्टैंडिंग में। अक्रम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। ओके, ये नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव हमारे पास क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब सवाल, या जिसमें कोई सवाल किया जाए। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास सेम वही है, बस इसमें क्या डिफरेंस होगा कि इज आर एम फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। अच्छा जी, तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सवाल किया है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो यू से हमें पता चला कि ये तुम है, और यू हमारे पास क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ लगेगा, और यू टॉकिंग विद मी। देखें जी, और यू टॉकिंग विद मी, क्या आप मेरे से बात कर रहे हैं। ओके, क्या मदिहा अपने घर जा रही है। तो मदिहा से हमें पता चलेगा कि हमने इज आर एम में से क्या लगाना है। मदिहा हमारे पास सिंगुलर है, तो हमारे पास इज आएगा गोइंग टू हर होम, क्या मदिहा अपने घर जा रही है। क्या तुम ईद मना रही हो, क्या तुम ईद। अब आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास यू तुम है, तो आपने यू लगा देना है। यहाँ से आके हमें पता चलेगा कि ये क्या है, लड़की की बात हो रही है, फिर हमने शी लगाना है। ओके, तो शी हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर, और इसके हमारे पास क्या होगी, इज शी सेलिब्रेटिंग ईद, क्या वो ईद मना रही है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इंटरोगेटिव में और डबल इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं कि डबल इंटरोगेटिव क्या होता है। डबल इंटरोगेटिव, मैंने एक दफा आपको फिर रिवाइज कर देती हूँ। जो इंटरोगेटिव है ना, उसका मतलब है हम ऐसे सवाल करें जिसका जवाब हम हाँ या ना में दें, और हमारे सवाल का जवाब हो जाए कंप्लीट। तो क्या मदिहा अपने घर जा रही है, ये हमारे पास एक सवाल है, तो इसका दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ मदिहा अपने घर जा रही है, नहीं मदिहा अपने घर नहीं जा रही। लेकिन डबल इंटरोगेटिव का क्या होता है कि हमें अपनी पूरी तफसील में जवाब देना पड़ता है। ओके, तो इसका भी स्ट्रक्चर सेम टू सेम इंटरोगेटिव जैसा है, बस इसका डिफरेंस क्या होगा कि स्टार्ट पे लग जाएगी डब्ल्यू एच फैमिली, फिर इज और एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना। तो डब्ल्यू एच फैमिली हमारे पास क्या होती है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, होम, मतलब जितने भी डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। तो तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तब हम इसका जवाब ऐसे तो नहीं दे सकते, तुम आज रात हाँ जा रहे हो या तुम आज रात नहीं जा रहे हो, ऐसे नहीं दे सकते। मतलब हमने पूरा तफसील में बताना पड़ेगा कि हम आज रात पार्क में जा रहे हैं, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, मतलब हमें पूरी तफसील में जवाब देना पड़ेगा। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लगाना है, डब्ल्यू एच फैमिली, वेयर, फिर हमने लगाना इज आर एम, और इज आर एम में हम कहाँ से देखेंगे, सब्जेक्ट से देखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है यू, और यू हमारे पास प्लूरल है, और यहाँ पे आएगा और, वेयर और यू जा रहे हो, गोइंग, आज रात, टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, आप आज रात कहाँ जा रहे हो, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। अक्रम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। ओके, अक्रम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो फिर आप पूरी वजह बताएंगे ना कि हमारी लड़ाई हुई है, या फिर उसने मेरी पसंद का मुझे गिफ्ट नहीं दिया, मतलब आपको पूरी तफसील देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्यों, क्यों से हमें पता चलेगा कि वाई, वाई, तो अक्रम हमारे पास क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इस वाई इज अक्रम नॉट टॉकिंग विद मी। और इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कौन सा फोन यूज करते हो, और ये बात हमने हमेशा यूज करनी माइंड में रखनी है कि जब विच आए ना, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट साथ ही आएगा, विच फोन, फोन हमारे पास ऑब्जेक्ट है, विच फोन, और यू यूजिंग। ओके, यू कैसे हमारा यहीं पे था, होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट टेंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।